बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आयशा डायरीज। आइए एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन फ्राइड राइस रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये तकरीबन मैंने 1 किलो चावल ले लिए, इनको मैंने बॉईल कर लिया है पानी में। 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें ऑयल और नमक डाल के इसको बॉईल कर लिया है। ये है तकरीबन 1/2 किलो मैंने आलू लिए, इनको भी मैंने हाफ बॉईल कर लिया है। 1 गाजर लिए, इसको भी हाफ बॉईल कर लिया है। ये मैंने शिमला मिर्च लिए 2 अदद, और इसमें दूसरी मिर्चें भी 4-5 काट ली हैं। ये 1 प्याली मटर है, इनको बॉईल कर लिया, हाफ बॉईल कर लिया। ये लहसुन है, ये अदरक है, इनको मैंने कश कर लिया। और ये तकरीबन हमारा 1/2 किलो चिकन है, इसको मैंने इस तरह स्लाइस में काट लिया। और इसमें मैं मिसालों में डालूंगी वाइट पेपर 1 चम्मच, ब्लैक पेपर 1/2 चम्मच, और नमक 2 चम्मच, थोड़ा सा सिरका 1 चम्मच सिरके का, और 2 चम्मच मैं इसमें डालूंगी चिली सॉस के। तो आइए शुरू करते हैं। ऑयल गर्म हो गया, अब मैं इसमें चिकन ऐड करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं 2-3 मिनट फ्राई कर लूंगी। मैंने आपके साथ पहले जो रेसिपी शेयर की थी वो थी मिक्स फ्राइड राइस की, और ये है चिकन फ्राइड राइस विद रेस्टोरेंट स्टाइल में। आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स में बताइए कि ट्राई कीजिए, और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। ये देखिए, मैं इसको 2-3 मिनट फ्राई कर लूंगी। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी नमक। ये हमारा चिकन का भी पानी खुश्क हो जाएगा। देखिए, ये हमारी चिकन फ्राई हो गई है। अब मैं इसमें अदरक लहसुन डालूंगी, ये मैंने क्रश करके रखा था। अब मैं 2-3 मिनट फ्राई करूंगी, तकरीबन 3 मिनट फ्राई करेंगे। ये देखिए, ये हमारा लहसुन अदरक फ्राई हो गया, इसमें लाइट गोल्डन हो गया। अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता मैं सारी चीजें ऐड करूंगी। पहले इसमें मैं मटर ऐड करूंगी। इसमें आलू, गाजर, और ये शिमला मिर्च मैं इसमें ऐड करूंगा। और इनको मैं मिक्स कर लूंगा। और इसके साथ ही मैं इसमें ये काली मिर्च और ये सफेद मिर्च ऐड करूंगी। अब मैं 2-3 मिनट कर लेती हूँ, फिर मैं इसमें चावल ऐड करती हूँ। अब मैं इसमें चावल ऐड करूंगी। हमारे रही आंच हल्की कर दूंगी, बिल्कुल चूल्हे की। और मैं अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब इसमें तकरीबन
तकरीबन 3 टेबल स्पून ऐड करूँगी और इसमें मैं 1 चम्मच तेल का तो थोड़ी देर के लिए देखिए मैंने इसका मिक्स कर लिया। अब इसमें तकरीबन 3 सोया सॉस डालूंगी, 3 टेबल स्पून ऐड करूँगी और इसमें मैं 1 चम्मच तेल का थोड़ी देर के लिए चूल्हा बिल्कुल हल्की आंच पे करके थोड़ी देर के लिए इसको 5 मिनट के लिए इसको मैं ढक के रख दूंगी। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमें चिकन फ्राइड राइस विद रेस्टोरेंट स्टाइल में रेडी हैं। देखें बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, जैसे हम रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं वैसी खुशबू आ रही है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। अल्लाह मियाँ आपको और आपके प्यारों को अपने हिफ्ज़-ए-अमान में रखे, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।